दो दिन पहले क्रिकेट टूर्नामेंट में हुए विवाद ने सोमवार को इतना बड़ा रूप ले लिया कि बेटमा की फिजा को ही खराब कर दिया। इस विवाद के बाद जहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई, वहीं बेटमा की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल दो दिन पहले क्रिकेट टूर्नामेंट में हुए विवाद के बाद सोमवार को एक पक्ष के 50 से ज्यादा लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक के घर का घेराव करते हुए लाठियों व हथियारों से हमला करते हुए पथराव कर दिया। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी दुकानें बंद कर भाग गए। इस घटना में दो लड़कियों सहित 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर DIG सहित पुलिस फोर्स बेटमा पहुंचा। वहीं पूर्व विधायक मनोज पटेल भी यहां पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद व उनके परिवार के साथ यह घटना घटित हुई है। इस संबंध में प्रशासन से बात की है और निश्चित रूप से उनका आतंक खत्म होगा। मिली, जैसा कि मुझे पता लगा था कि शायद HM हुआ है और HM की जानकारी मुझे मिली तो मैंने प्रशासन से बात करी। प्रशासन में एडिशनल SP DIG IG साहब से बात करी, उन्होंने यह फोर्स भी भेजा और यहाँ स्थिति अभी नियंत्रण में है। और जैसा कि मुझे पता लगा था कि हमारे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और उनके परिवार के साथ में घटना घटित हुई, उनके घर में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला बोला और उस पर रिएक्शन में पुलिस ने कार्रवाई करी और पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। मुझे यहाँ आकर के जब पूरी स्थिति की जानकारी हुई तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ एक वर्ग विशेष की जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वह बंद होनी चाहिए और उससे प्रशासन से बात करी और वह निश्चित रूप से इन आतंक जो उनने मचा रखा है अब बंद होगा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरियादी विजय बाथम के मुताबिक दो दिन पहले मंडी में क्रिकेट मैच के दौरान शरीफ ने बैट मांगा, मना करने पर विवाद हो गया और उस दौरान लोगों ने समझाइश दी जिसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन सोमवार को 50-60 लोग आए जिन्होंने हमला कर दिया। भाई साहब, परसों रात को 10:30 बजे मंडी प्रांगण बेटमा में टूर्नामेंट चल रहा था रात्रिकालीन, उसमें हम दोनों, मेरे जियाजी आए थे, हम दोनों क्रिकेट देखने गए थे तो उन्होंने शरीफ लाला करके नामक एक व्यक्ति आया, उन्होंने बोला कि बेट दे दे, तो मैंने मना कर दिया था बेट देने से। इतने में वो 8-10 लोग आए, उन्होंने घेरा और निजाम लाला जो धार का है उसने चाकू निकाला। इतने में सभी लोगों ने बचाया और दोनों को समझा समझी के घर भेज दिया था। कल टूर्नामेंट बंद हो गया था, पुलिस वालों ने बंद करवा दिया था, तो आज मैं कहीं जा रहा था, मतलब उधर छानो भवन तहसील थप्पे के उधर, तहसील थप्पे के उधर मोहिन लाला आया, मोहिन लाला ने रोका कि तेरे टूर्नामेंट बंद करवाया। मैंने कहा टूर्नामेंट भाई मैं क्यों बंद कराऊंगा, इतने उसने देसी कट्टा निकाला। तो आइट साइड के लोग आए, उन्होंने उनके डर से भागा, उसके बाद में घर आ गया। उसने धमकियाँ दी कि तू 2 से 3 दिन रह ले, बस ऐसा कुछ बोला। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेंगे। मैं घर आया 8:30-9 बजे के समथिंग, हम अभ्यास कर रहे थे अखाड़े में, मैं, मेरा बड़ा भाई विक्की बाथम, मेरा मित्र यश पटेल भी था साथ में। उन्होंने आते ही लगभग 50 से 60 लोग आए, आते ही बराबर निज़ाम लाला जो कि धार जिले का टॉप लिस्टेड बदमाश है जो यहाँ पर जिला बदल है, उसने आते ही देसी कट्टे से हवा फायरिंग की और बीच बचाव में यश आया, यश को उन्होंने आते ही तलवार मार दी। उसके बाद आइट साइड से बच्चे आए बीच बचाव में, उन्होंने शरीफ लाला के हाथ से उन्हें भी फालिया लगा और एक दो अन्य घायल भी हुए उसमें। उसके बाद दोनों तीनों उन्होंने धमकियाँ दी घर जलाने की। पास में कर्मचारी काम कर रहा था दुकान पर, उसकी दुकान लूट करी, गल्ला वल्ला फेंका फाकी करा। उसके बाद मोहल्ले के लोग आए, फिर वो भाग। युवती ने कहा कि बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने हमला किया, घर की छोटी बच्चियों को भी उन्होंने मारने की कोशिश की। और मेरे बड़े भाई, मेरे नाना जी और अखाड़े में एक दो लोग थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, नाना वगैरह पूजा कर रहे थे, तो हमको बहुत ज़ोर से आवाज़ आई कि मोमेडियन, जैसे कुछ हल्ला गुल्ला हुआ हो। तो जितने भी मोमेडियन लोग थे, काफ़ी लोग थे, 300-400 लोग होंगे, उनकी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई। लेकिन उस वक्त है ना, हमारी बुआ जी ने हमको ताला लगा के अंदर बंद कर दिया था और फिर हम लोग ने छत से देखा था, तो ये है ना, मेरे नाना जी और मेरे भाई को कुछ हाथ से मोबाइल वगैरह उन्होंने छुड़ाया और मंदिर में डंडे वगैरह फेंके। और उसके बाद एक हमारे अखाड़े का लड़का, उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया, उसको मारा बहुत बुरी तरह से। उसके बाद हम लोग आए तो उन्होंने हमारे सामने भी आए वो लोग, और हम पे भी तलवार वगैरह, और उनके हाथ में रिवॉल्वर वगैरह भी थी काफ़ी लोगों के पास, और तलवार भी थी, गाली गलौज भी की, उन्होंने पथराव भी किया।
और बहुत सारे लोग थे और सामने सामने आ रहे थे, बच्चे तक, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे 8-9 साल की लड़कियां, उन तक को भी उन्होंने बाल बाल पकड़े और मारने की कोशिश की। बहरहाल बेटमा में सोमवार रात को हुई घटना के बाद मंगलवार सुबह स्थिति सामान्य हो गई। हालांकि घटना के बाद कई अफवाह भी फैली, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बेटमा।